मेरा नाम जुबैर खान है और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर हूं। और आज हमारी लाइफ स्टोरी वीडियो सीरीज के अंदर आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। एक बार एक आदमी ट्रेन के अंदर सफर कर रहा होता है और उसका जो को पैसेंजर उसके सामने जो बैठा होता है उसको देखता है कि वो टिफिन के अंदर, लंच के टाइम में टिफिन खोलता है और टिफिन के अंदर खाना खाना शुरू करता है। तभी उसकी नजर उसके टिफिन में कुछ अनयूजुअल चीज के ऊपर पड़ती है। वो कहता है कि यार इसके एक टिफिन में तो चपाती है और दूसरा जो टिफिन का जो केस है, जो डब्बा है वो खाली है। लेकिन उसको वो गौर से देखता है, वो आदमी उस टिफिन में से रोटी निकालता है, उस खाली डब्बे के अंदर से जैसे हम नॉर्मली खाना खाते समय जैसे दाल या सब्जी खाते हैं, उसको निकालता है, खाता है, निकालता है, खाता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है, वो उससे रहा नहीं जाता, उसको खाना खाते खाते बीच में डिस्टर्ब करता है, टोकता है, बोलता है, दोस्त बुरा मत मानना लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। वो कहता है, हाँ बोलिए सर, क्या सवाल है? यार आपके खाने का डब्बा है तो एक खाली है और आप केवल रोटी से कुछ है नहीं ऐसे लगा के खा रहे हैं। बोलता साहब ऐसा है कि मैं सिर्फ रोटी खरीदने के पैसे थे तो मैंने सिर्फ रोटी खरीद ली, सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे। तो मैं क्या सोच के खा रहा हूं सर कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे मेरे डब्बे के अंदर अचार पड़ा हुआ है, तो मैं क्या है कि अचार समझ के खाता हूं और मैं जब सोचता हूं तो मैं अचार का नाम लेने से मेरे मुंह में पानी आ जाता है और अचार का स्वाद आ जाता है। वो आदमी बड़ा हैरान होता है, बोलता कि ये अचार ही क्यों सोचा आपने? बोलता सर अचार सस्ता होता है इसलिए मैंने अचार सोच लिया। तो वो कहता है यार सोचने में पाबंदी कहां है, तुम मलाई पनीर सोच सकते थे, मलाई मुर्ग मसल्लम सोच सकते थे, बिरयानी सोच सकते थे, दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज भी सोच सकते थे, लेकिन तुमने अचार ही क्यों सोचा? बोलता सर ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैंने अचार क्यों सोचा, बट अचार सस्ता होता है इसलिए सोच लिया। कई बार लाइफ के अंदर हम हमारी सोच जो है उसको लिमिट कर देते हैं। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद हम भी उनमें से एक हैं, या बहुत सारे हमारे आसपास के लोग हैं जो कि जिन्होंने अपनी सोच को लिमिट कर रखा है। हमने हमारी सोच के अंदर भी हमारे जो सोचने के जो पंख है उनको खोला नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी ये लिमिटेड सोच ही हमको लाइफ में पीछे रखती है। So, आप भी ये सोच के देखिएगा कि उस व्यक्ति ने अचार ही क्यों सोचा, उस व्यक्ति ने अपने लाइफ की बेस्ट ऑफ द बेस्ट पकवान खाना क्यों नहीं सोचा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।